Hello and you're watching Claptrap, we're back again. Today we will talk about dry leaf skeleton art. एक ऐसी आर्ट जो आपने शायद बचपन में भी देखी होगी, इसको इंग्लिश के कई डिफ़िकल्ट वर्ड्स के नाम में भी जाना जाता है, बट जनरली आपने देखा होगा कि आप बॉटनिकल क्लासेस में आपने सीखा होगा कि किस तरह से ड्राई लीव्स को प्रिजर्व करके आप एक लीफ की स्टडी करते हैं. माई फेवरेट इज़ फर्न लीफ, जो मेरे को एक शादी के इवेंट में मिल गई थी. आई पिक्ड अप, आई टुक इट होम. मुझे लगा बहुत खूबसूरत होता है बिकॉज इट इज़ नेचर्स क्रिएशन. इसके बहुत अच्छे शेप एंड कलर्स होते हैं. लुक एट दिस, ये हर लीफ बेसिकली फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की वजह से एक तरफ से डार्क और एक तरफ से लाइट होती है. कुछ लीव्स ऐसी होती हैं जो दोनों तरफ से डार्क होती हैं. मैंने चूज़ किया फर्न को क्योंकि इसमें बहुत सारे एजेस एंड स्पाइक्स होते हैं. आप भी इसको चूज़ कर सकते हैं. अब प्रोसेस शुरू करेंगे, इसे एक आर्ट वर्क क्रिएट करेंगे. गौर से देखिए कि नेचुरल शेप हैं जो कि इसकी ब्यूटी होती है. मशीन में जनरली एक यूनिफॉर्मिटी होती है जो कि नेचर में नहीं होती, और यही नेचर की ब्यूटी है. जो यहाँ से टूटा हुआ है देख रहे हैं, थोड़े थोड़े फाइबर हैं इसके ऊपर, ये सारे इसकी नेचुरल ब्यूटी को एनहेंस करते हैं. हमने इसका एक प्रोसेस शुरू किया, हमने तो इसको बुक में रखा. वैसे इसका जनरली प्रोसेस ये होता है कि आप इसको एक स्पून ऑफ ग्लिसरिन, दो स्पून ऑफ वाटर, इनको पानी के दो स्पून में मिक्स कर लीजिए. लीफ को डाल के उसके अंदर प्रेस करके रख दीजिए और वो ड्राई कर लीजिए ताकि आपकी ग्रीनरी मेंटेन हो जाएगी. दिस इज़ द मिस्टेक आई मेड, मैंने गलती की. I should have done that same process, but I did not do it. मैंने इसको डायरेक्टली लिया और अपने घर में एक बड़ी सी बुक में, which is again on interior designing and architect, उसके अंदर रखा. इसको ख़ास ख्याल रखें सुखाते वक्त कि जब भी आप लें तो इसको देख लें कि ये फाइनल बनने के बाद आपको कैसे चाहिए. फॉर एग्ज़ाम्पल, मुझे लगा ये लेंथ में बहुत लंबी है, तो मैंने इसको थोड़ा सा उस साइज़ की बुक ली, और वो क्योंकि उस बुक से बाहर जा रही थी और मुझे डर था कि सूखने के बाद ये टूट जाएगी. ज़रूरी है कि आप इसको प्रॉपरली 100% प्रेस करें, अदरवाइज़ ये कुछ पार्ट बाहर रह जाने के बाद में ड्राई होकर टूट जाएगा. तो आप उसके साइज़ का, अप्रोप्रिएट साइज़ का एक बुक लें या कोई भी एक पेपर ले लें, उसके ऊपर अपना वेट रख सकते हैं, यानी कि कोई भी वेट रख सकते हैं. जिस तरह से बाहर निकला हुआ है इस तरह से इसको नहीं होना चाहिए. उसके बाद मैंने इसको अंदर कर दिया. अंदर करने के बाद में मैंने बुक के अंदर रखा उसको, और उसके ऊपर थोड़ा सा अप्रोप्रिएट वेट रखा. दो आई डिड नॉट फॉलो द प्रोसेस ऑफ ग्लिसरिन एंड वाटर, और जिसका मुझे नुकसान हुआ कि उसका कलर थोड़ा फेड हो गया, बट आई लाइक इट लाइक दैट बिकॉज वो मुझे लगता है कि थोड़ा सा लाइटर ग्रीन हो जाएगा. लेकिन अगर आपको बहुत रिच ग्रीन चाहिए तो आप उसको इस तरह से ग्लिसरिन और पानी मिक्स करके उसके अंदर तब प्रेस कीजिए. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो प्रोसेस दिया है. अब बात करते हैं इसको ड्राई करने का या प्रेस करने का, तो उसके ऊपर आप वेट रख दीजिए. आई हैड कपल ऑफ बुक्स जो मैंने उसके ऊपर रख दी ताकि वो एक अपनी पर्टिकुलर शेप ले ले. एट द सेम टाइम सूखने के बाद में वो छोटे छोटे पत्ते अलग अलग नहीं गिरेंगे. ये एक प्रोसेस है जिसमें थोड़ा टाइम लगता है. और कुछ दिन बाद मैंने उसको फिर से निकाल के देखा, मुझे लगा कि वो सूख गया है. उसके ऊपर मैंने थोड़ा सा वेट और रख दिया ताकि वो थोड़ा फास्ट हो और थोड़ा अच्छे से प्रेस हो जाए. इसके बाद में अब हम इसको कुछ दिन के लिए इस तरह से छोड़ देते हैं, और आप देखेंगे कि ये प्रोसेस पूरा कंप्लीट होने के बाद में आपकी लीफ पूरी एक शेप ले लेगी. वैसे आप देखें आसपास में, आपको बहुत सारे तरह के लीव्स मिल जाएंगे, जैसे आपके नीम के लीव्स हैं, पीपल है, मनी प्लांट है, कई सारे हैं. लेकिन मेक श्योर करिए, इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखिए कि लीव्स जो है, जो प्लांट आप चूज़ कर रहे हैं वो थोड़े थिक हों, बहुत पतले लीव्स ना हों. जैसे गुलमोहर के लीव्स होते हैं वो जनरली सूखने के बाद में पत्ते छोड़ देते हैं, तो वो आपको चूज़ नहीं करना है. जो थोड़े थिक होते हैं वो अच्छे होते हैं. पीपल और जितने भी रबर बेस्ड होते हैं उनका ख़ास ख्याल रखिए, क्योंकि वो स्केलेटन बनाते हैं, यानी कि उनमें जो नसें जैसी होती हैं, वेन्स निकल आती हैं उनकी. दैट्स कॉल्ड द ड्राई लीव स्केलेटन आर्ट. और ये फर्न का पत्ता है. फर्न की भी लगभग इंडिया में 1200-1300 वैरायटी हैं पूरे वर्ल्ड में. इंडिया में लगभग 500-600 वैरायटीज मिल जाती हैं. टाइम पास बाय, इसको मैंने एक महीने के बाद रखा. अब हमारे लगभग 30 दिन हो गए. उसको दोबारा से मैंने लिया, मैंने देखा कि वो सेफ अगेन इन द बुक, और हमने डिसाइड किया कि अब इसको फ्रेम कराएंगे ग्रीन के अगेंस्ट में, क्योंकि ये ग्रीन कलर का है. इसको आप वाइट के ऊपर बेस करेंगे तो अच्छा दिखेगा. एंड नाउ आई सी, लुक एट दिस, आई हैव कम टू दिस स्टोर जहाँ पे मुझे फ्रेम सेलेक्ट करना है. दो तीन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना होगा कि ऐसा फ्रेम सेलेक्ट करना है जो कि वुडन कलर में हो, क्योंकि अर्थ यानी कि नेचर का कलर है ये. इसको गोल्ड वगैरह में करेंगे तो भी अच्छा दिखेगा, लेकिन अगर आप इसको किसी भी पाइन वुड में, वुड में, शीशम में, हालांकि वो सिंथेटिक भी हो सकते हैं, लेकिन कलरफुल चूज़ नहीं करके आप नेचर के कलर से चूज़ कर लीजिए अपने मनपसंद को.
फ्रेम को सेलेक्ट करते समय भी ध्यान देना होगा कि आपका अप्रोप्रिएट साइज हो। बहुत चौड़ा फ्रेम भी नहीं होना चाहिए और बहुत छोटा फ्रेम भी नहीं होना चाहिए। लाइटर शेड के फ्रेम्स हो सकते हैं, थोड़े डार्कर शेड्स हो सकते हैं। तो आप इस तरह से, मेरे को ये अच्छा लगा था बिकॉज इसमें तीन एज है, ये रियल वुड में फ्रेम है, थोड़ा सा महंगा था ये, बट आई लाइक इट लाइक दिस। यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे हम एक छोटा सा नाम लिखेंगे ताकि किसी को गिफ्ट किया तो ये नाम हमारा एक मेमोरी की तरह जा सकता है। ये हम आ गए हैं लगभग 5 से 6 दिन बाद जब हमारा फ्रेम बन के रेडी है। आई गॉट अ कॉल फ्रॉम द स्टोर ओनर कीर्ति आर्ट्स वालों ने मुझे बताया कि फ्रेम रेडी है, तो मैंने जाके इसको देखा। लुक एट दिस, दिस इज़ द वे इट लुक्स लाइक। अब इसको देखेंगे कि ये कैसा दिखता है। ये फाइनल हो गया है, होने के बाद में आगे हैंग करने के लिए तैयार है। सो वी विल सी हाउ डज इट लुक लाइक। इससे पहले कि हम एक्सपोज करें, आपको 3-4 चीज़ें और बता दें। एक तो ये है कि प्रॉपरली फ्रेम कराइए इसको, दूसरा इसको प्रिजर्व करिए प्रॉपरली, पीछे से फ्रेम में ध्यान रखिए मॉइस्चर ना आए इसके लिए टेप लगवा लीजिए। साथ में आप इसको इस चीज़ का खास ख्याल रखिए कि ये 3 या 4 बनाइए अलग अलग पत्तियों के, तो अच्छे दिखेंगे। दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक। ये देखिए, दिखने के बाद बहुत ही खूबसूरत लगता है ये, और आई लाइक इट, आई होप यू ऑल्सो लाइक इट। अभी हमारा देने के लिए तैयार है। मैंने यहाँ पे अपने हाथ से अपना क्लैप ट्रैप और उसका नंबर लिखा है विद लॉट ऑफ लव सो दैट आई कैन गिव इट टू यू। ये जिन्होंने ये फ्रेम करके तैयार किया है ये वो हैं, और ये देखिए दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। पैक कर दिया है इसको बबल पैक सो दैट इट कैन बी सेंड टू यू। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो यू कैन रिक्रिएट दिस। अगर आपको अच्छा लगा तो मुझे बताइए कि ये आप अपने घर में कहाँ लगाना चाहेंगे, या आपका कोई फेवरेट लीफ है जिसको आप डेफिनेटली करना चाहेंगे ड्राई लीफ स्केलेटन आर्ट में कन्वर्ट करना चाहेंगे। शेयर दिस इन्फॉर्मेशन विद अस, बच्चों को इन्वॉल्व कर लीजिए, आई एम श्योर दे विल लव इट। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग क्लैप ट्रैप। बाय बाय।